गुस्से से लाल हुए चीफ जस्टिस गोगोई। सीबीआई विवाद में आया गुस्सा, फिर टाली सुनवाई। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। घूसकांड ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में ऐसी खलबली मचाई कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। लेकिन जब मामले की सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस गोगोई को गुस्सा आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सुनवाई के वक्त ऐसा भी क्या हो गया कि जस्टिस गोगोई को अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। असल में सुनवाई के दौरान मीडिया में लीक हुई सीबीसी रिपोर्ट से जस्टिस गोगोई पहले से ही गुस्से में थे। उन्होंने आलोक वर्मा के वकील फाली नरीमन से पूछा कि सील बंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट कैसे लीक हुई, तो जवाब में वकील ने कहा कि उन्हें खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं जब सीबीसी की जांच रिपोर्ट पर आलोक वर्मा से जवाब मांगा गया तो उन्होंने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और वक्त मांगा। इस पर जस्टिस गोगोई ने कहा कि जब आपको 16 नवंबर तक सील बंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया था तो अब और समय क्यों मांग रहे हैं? बस फिर क्या था, इस लापरवाही को देखकर चीफ जस्टिस का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने ये तक कह दिया कि आज की सुनवाई कोई डिजर्व नहीं करता है और 29 नवंबर तक अगली सुनवाई टाल दी गई। अब आपको ये बता दें कि मीडिया में जो सीबीसी की रिपोर्ट लीक हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सच का पता लगाने के लिए सीबीसी को आदेश दिया था, जिसके चलते सीबीसी ने आलोक वर्मा को जवाब देने के लिए कई सारे सवालों की एक सूची भेजी थी जिसकी एक कॉपी मीडिया में लीक हो गई।